Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel of Anika Sen. जैसे कि आप लोगों को पता है मैं बहुत टाइम बाद व्लॉग बना रही हूँ, लेकिन मेरा व्लॉग जो है वो आज बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि जो है आज मैंने बोला कि मैं ना व्लॉगिंग करती हूँ रोज, तो लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैं ना कुछ अलग करूँ. कुछ अलग करने पर जो है ना मेरे साथ मुझे बहुत मज़ा आएगा, तो आप लोगों को भी देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा. तो आज जो है वो मैं कर रही हूँ 15 क्वेश्चन अपनी बहन के साथ. तो चले उन्हें बुलाते हैं और उनके साथ हम थोड़ा सा ये करते हैं. मीट माय सिस्टर. अस्सलाम वालेकुम. तो आपको कैसा लगेगा मैं आपसे 15 क्वेश्चन करूंगी? एक्साइटेड है? हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मुझसे कौन से 15 सवाल होने वाले हैं. ओके, तो आप आंसर देंगी? पूरा ट्राई करेंगे, डिप्लोमेटिक जवाब भी हो सकते हैं कुछ कुछ. चले सो लेट्स गो, हम स्टार्ट करते हैं. आप चाहे सबसे पहले मुझे अपने व्हाट्सएप की लास्ट चैट दिखाऊं कि क्या हुई थी, या लास्ट चैट ये दिखाऊं कि किसके साथ हुई थी? दोनों, हम दोनों देखेंगे. तो भाई मेरी जो लास्ट चैट थी, चैट तो नहीं, मेरी बहन की मिस कॉल आई हुई है लास्ट, मुझे जाना है वो सुबह 11 बजे. ओके चले ठीक है. और वॉलपेपर दिखाएं अपना लॉक और होम दोनों. अच्छा भाई ये देख लें, फोकस कर लें कैमरा. मेरा जो लॉक स्क्रीन है वो ये है. अगर मैं इस बात करती हूँ कि अगर मेरा वो होम स्क्रीन मेरी ये वाली, अगर कैमरा फोकस कर पा रहा है तो जी बिल्कुल नजर आ रहा है हमें होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन. चले आप मुझे बताएं कि आपकी जो बेस्ट मेमोरी है इन योर बेस्ट मेमोरी इन दिस ईयर. इस ये साल एंड हो रहा था, इस वजह से हम ज्यादा चीज करो इस साल की हवाले से कुछ पूछेंगे आपसे. देखिए भाई इस साल तो मतलब 2022 इज अ ग्रेट ईयर, मतलब बहुत अच्छा साल रहा है. बहुत सारी चीजें जो है वो न्यू हुई है, बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने न्यू एक्सपीरियंस किया है. बट अलबत्ता अगर मैं कहूँ कि बहुत ही अच्छा रहा, तो मतलब के दो पर्सन हमारी फैमिली में न्यू ऐड हुए, वो हमारे लिए बहुत अच्छा एलिमेंट था जो कि इस बार ऐड हुआ है. चलें ठीक है, बेस्ट विशेस उन दोनों के लिए हमारी तरफ से. हाँ साल और उन दोनों के लिए बेस्ट विशेस एंड हाय फ्रॉम द व्लॉग. चलें अब मुझे ना बैड मेमोरी इन दिस ईयर. बैड मेमोरीज तो नहीं कह सकते, मतलब आप जो भी करते हैं वो आपको कुछ ना कोई नया एक्सपीरियंस देता है. तो बैड मेमोरी मेरी ऐसी कुछ भी नहीं है जो कि मैं 2022 में कहूँगी कि मेरी मैंने एक्सपीरियंस किया. ऐसी कोई मेमोरी नहीं जिसको मैं बैड कहूँगी, क्योंकि हर चीज़ जो भी आपके लिए होती है वो आपको कुछ ना कुछ लर्न करने के लिए होती है. अगर आप उसे कुछ अर्न नहीं करें तो आप उसके लिए कुछ लर्न करते हैं. yes. तो वो इसलिए मेरे लिए कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस या कुछ ना कुछ लेसन के लिए थी. चलें ठीक है, आपने एग्जिस्ट बताई नहीं है लेकिन इस पर भी हम चलेंगे. इट्स कॉल्ड अ डिप्लोमेटिक आंसर. यस चलिए आपने दिखाई यूट्यूब हिस्ट्री. YouTube history, या श्योर मैं बता दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक्चुअली आजकल मेरा जो है कुछ काम ही चलता रहता है. ज़ाहिर है मैं पढ़ती हूँ तो उसमें मेरा काम चलता रहता है, तो कुछ काम वगैरह करती रहती, तो आजकल थोड़ा बहुत YouTube से पाया पड़ता है, वरना तो मैं अरसा जरा हो जाता है कि YouTube जो है वो इस्तेमाल ही नहीं करती हूँ. जी जी मुझे पता है. मैं भी ऑनेस्ट नहीं बोलूंगी कि मतलब मैंने अपने मोबाइल पे यूट्यूब इस्तेमाल करते हुए मुझे एक अरसा हो गया, मैंने अपने मोबाइल पे कोई यूट्यूब जो है वो वीडियो नहीं देखी है. अलबत्ता मेरा लैपटॉप जो है वो इसे कनेक्ट रहता है, तो जो लैपटॉप में मैं देखती हूँ वो जो है वो फिर भी इसे कनेक्ट रहता है. अभी देखिए मेरी कुछ भी हिस्ट्री नहीं है, कुछ भी डाउनलोड नहीं हो रहा है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने कभी यूट्यूब इसमें इस्तेमाल ही नहीं किया. हाँ मतलब लैपटॉप से कनेक्ट रहता है तो मे भी हो सकता है कि इसमें कुछ ना कुछ आ जाए, लेकिन अभी फिलहाल इसमें कुछ नहीं आ रहा है. So, हम ट्राई करते हैं कि मैं कोशिश कर रही हूँ कुछ ना कुछ इसमें आ जाए. जरूर देखूंगी मैं आपकी यूट्यूब हिस्ट्री, जरूर क्या आता है. अच्छा देखें, अभी इंटरनेट खोलने के बावजूद भी टू बी ऑनेस्ट जो है इसमें कुछ नहीं आ रहा है, मतलब मेरी कुछ भी हिस्ट्री नहीं है. सो आई एम परफेक्टली क्लियर. तो आप लोग यूट्यूब यूज ही नहीं करती हैं? बिल्कुल भी नहीं करती. देखिए मैंने मैंने पहले भी बताया कि मैं यूट्यूब इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन मैं मोबाइल पे यूट्यूब इस्तेमाल नहीं करती. बहुत कम एक्सपीरियंस होता है कि मैं मोबाइल पे यूट्यूब इस्तेमाल करूँ. मेरा लैपटॉप से क्योंकि कनेक्टेड है, तो मैं लैपटॉप पे जो है ना जो भी वीडियोज देखनी होती है या जो भी मुझे वर्क रिलेटेड काम होता है वो मैं सब लैपटॉप पे देखती हूँ. चले आपकी यूट्यूब हिस्ट्री तो नहीं है, लेकिन आप बता सकती हैं कि आप यूट्यूब पे क्या देखती हैं? सॉन्ग सुनती हैं किसी के जो आपको पसंद है उनकी वीडियोज देखती हैं, या क्या देखते हैं? फिर इतना होता है कि मैं, हाँ मैं ये बता देती हूँ. ये देखो यूजुअली ये होता है कि मैं क्योंकि रिसर्च वर्क कर रही होती हूँ, तो मैं जो है वो रिसर्च वर्क के रिलेटेड जो है कुछ वीडियोस देख लेती हूँ. वैसे बहुत कम होता है, लेकिन वो ये होता है कि ड्यूरिंग द वर्क वो आप ज़ाहिर लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, फिर आपको खामोश रह के काम करना है, तो ये होता है कि मैं सॉन्ग्स लगा लेती हूँ यूट्यूब पर, तो सॉन्ग्स जो है वो फिर सुन लेती हूँ. फिर कभी मैं सॉन्ग से बोर हो जाती हूँ, तो सीधी बात है मैं कभी नेशनल एंथम्स जो हमारे पास होते हैं वो लगा लेती हूँ, कभी नाते लगा लेती हूँ, या कभी कोई ड्रामा लगा लिया, या कभी कोई वीडियो लगा ली, वो फिर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मैं लगाती हूँ.
आप इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होती पढ़ते हुए क्योंकि आपने काम भी कर रही होती है साथ साथ आपकी ये चीजें भी चल रही होती हैं। लेकिन डिस्ट्रैक्ट मैं तब होती हूँ जब जो है मैं अगर बहुत ही ज्यादा फोकस्ड काम कर रही हूँ और मुझसे उस पर फोकस नहीं हो पा रहा तो मैं यूट्यूब की वीडियो बंद कर देती हूँ फॉर अ सेकंड और फॉर मिनट्स मैं उसको बंद कर देती हूँ अगर मुझसे फोकस नहीं हो पा रहा है। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ मेरे कान में हैंड फ्री लगी हुई इसलिए होता है कि मुझे पता चले कि मैं जाग रही हूँ और मैं काम कर रही हूँ। और यूजुअली मैं ये कोशिश करती हूँ कि अगर मैं कुछ फोकस काम कर रही हूँ तो मेरा वॉल्यूम जरा स्लो रहता है। अगर मैं कुछ टाइपिंग वाइपिंग का काम कर रही हूँ तो वो वॉल्यूम जरा हाई रहता है। फिर उससे आपको फर्क पड़ता है कि अगर वॉल्यूम जरा हाई है तो आप काम नहीं कर पाते फोकस नहीं कर पाते लेकिन अगर वॉल्यूम जरा कम है तो फिर आप आराम से फोकस कर देते हैं। चलिए ठीक है। बच्चे बचपन में तो आपने बहुत सारे कार्टून्स देखे होंगे आप अभी भी देखती हैं या फिर आपको कोई सा कैरेक्टर मतलब पसंद है कार्टून का? देखिए बचपन में कार्टून तो जाहिर है देखिए हम छोटा भीम वाले जमाने से ताल्लुक रखते हैं हमारा ताल्लुक जो छोटा भीम वाले से है और छोटा भीम तो हमने छोटा भीम बहुत देखा है। लेकिन अभी इस वक्त जो है मैं करंटली बात करूँ तो मैं कोई कार्टून नहीं देखती हूँ ना ही मुझे कोई कार्टून जो है वो इतना पसंद है बल्कि बहुत ही कम कार्टून है जिनसे मैं नोन हूँ। कोई कार्टून कैरेक्टर? कार्टून कैरेक्टर मैंने आपको बताया हम छोटा भीम के जमाने से हैं तो हमें छोटा भीम याद है याद है इस तरह के बस ये याद है और तो कुछ नहीं याद। डोरेमोन याद है और एक वो ऑक्टोपस वाला कार्टून आते थे उसका नाम तो मुझे याद नहीं है लेकिन वो जो ओगी एंड वो भी आते हैं वो कॉकरोचेस टॉम एंड जेरी भी तो आते हैं आजकल बहुत अच्छे वो पिंक पैंथर भी याद आया मुझे हम पिंक पैंथर भी देखा करते थे पहले उस जमाने की बात है। आपने टॉम एंड जेरी नहीं देखा? टॉम एंड जेरी देखा है लेकिन मतलब एक तो बहुत ज्यादा ह्यूज उसकी व्यूअरशिप थी तो मैंने उस तरह नहीं देखा कि मैं बहुत ही फॉन्ड ऑफ कार्टून नेटवर्क टॉम एंड जेरी। अच्छा आपके बेस्ट फ्रेंड का नेम? मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं किसी एक का नाम लोगे तो सब नाराज हो जाएंगे इसलिए सारी मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। चलिए ठीक है इसमें हम आपको थोड़ी सी राय देते हैं। लाइट चली जाती है कराची में आपको पता है लाइट तो फिर जब जाती है तो घंटों तक चली जाती है तो आप मुझे बताएं आप फ्री टाइम में जब नेट भी नहीं है कुछ भी नहीं है तो आप सबवे सर्फर खेलना पसंद करेंगे या टेम्पल रन? वैसे तो माशाल्लाह से मेरे मोबाइल रखा हुआ है दोनों में ही और इसमें कोई भी गेम नहीं है। एक गेम मैंने कैंडी क्रश डाउनलोड की थी तो वो भी मैंने स्पेस की वजह से आपको पता है मोबाइल में आजकल पढ़ने वढ़ने का काम हो तो स्पेस की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तो मैंने वो भी डिलीट कर दी। लेकिन अगर मैं खेलती हूँ तो मेरी जो दोस्त है उसके मोबाइल में सर्वे सर्फ है तो मैं वो खेलती हूँ और उसके मोबाइल में बहुत सारे गेम्स हैं लेकिन मैं खेलती सिर्फ सर्वे सर्फ तो मुझे वो पसंद है। चले ठीक है आप मुझे बताएं बेस्ट मेमोरी इन द यूनी लाइफ आपकी बेस्ट मेमोरी लाइफ में यूनिवर्सिटी लाइफ में बहुत एंजॉयमेंट किया और अभी भी हम कर रहे हैं इंशाल्लाह और भी करेंगे क्योंकि भी मेरा एक साल बाकी है तो हमने बहुत सारी चीजें एंजॉय की हैं बहुत सारी क्लासेस छोड़ी भी हैं बहुत सारी क्लासेस अटेंड भी की हैं कभी बंग बंग भी मारा है कभी कभार मतलब क्लास हो रही है हम नहीं गए बाहर बैठे रहे ऐसा भी हुआ है बहुत चीजों। लेकिन मैं उन स्टूडेंट्स में जो जिन्होंने बहुत कम बंग मारे हैं ठीक है और मैं उन स्टूडेंट्स में से भी जो बहुत कम जो है वो बाहर विजिट के लिए जाते हैं कैंटीन वगैरह बैठते हैं। लेकिन बेस्ट मेमोरी अगर मैं बात करूँ तो हमने एक दफा यूबीआईटी जो हमारे पास ही डिपार्टमेंट है तो हमने उसमें से कुछ बोतलें मुफ्ते में मारी थी तो वो हमारी अच्छी मेमोरी है कि हम वहाँ से यूबीआईटी जैसे डिपार्टमेंट जिनके सॉफ्टवेयर इतने अच्छे होते हैं और जिनकी जो उनकी जो शॉप थी वो भी ऐसी थी कि हम उसमें कॉइन डालते थे मतलब पैसे इंसर्ट करते थे उसके बाद वहाँ से चीज निकल के आती थी लेकिन हमने वहाँ पे एक से दो चीजों के पैसे इंसर्ट किया वहाँ से तीन चार चीजें निकल आए तो हमसे बड़ा खुश हुए भाई कि भाई हमने यूबीआईटी वाले को चुना लगा ही दिया। चले अब आप मुझे बताएं कि बेस्ट मेमोरी इन दी टीचिंग करियर? टीचिंग करियर टीचिंग में बहुत अरसे से कर रही हूँ मतलब आज से नहीं मतलब मैं एक अरसे से टीचिंग करती भी आ रही हूँ और बहुत सारी मेरी मेमोरीज हैं वो टीचिंग से जुड़ी हुई है। मैं किसी एक की बात करूंगी तो बाकी सबके साथ भी ज्यादती हो जाएगी मतलब कि मतलब ऐसी बहुत सारी मेमोरीज हैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने टीचिंग के दौरान एक्सपीरियंस की और जो अगर मैं टीचिंग नहीं करती तो मुझे वो चीज़ें समझ नहीं आती कि ये चाहिए ऐसे भी हो सकता है और ये ऐसी भी हो सकती हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो मुझे टीचिंग ने सिखाई हैं। सबसे ज़्यादा चीज़ मुझे टीचिंग के दौरान मैंने सीखी है वो ये है कि आप बच्चों से जब इंटरेक्ट होते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें लर्न करते हैं आप बड़े होकर भी वो चीज़ें लर्न कर जाते हैं जो बच्चे आपको सिखाते हैं। आप हर चीज़ बड़े होकर लर्न नहीं कर सकते आपको हर चीज़ नहीं समझ आ सकती लेकिन बहुत सारी चीज़ें बच्चे हमें उस जोन में उस एज में भी सिखा देते हैं जिस एज में हम लोग को नहीं पता होता। स्नैपचैट की फर्स्ट पिक्चर? स्नैपचैट की फर्स्ट पिक्चर तो फिलहाल मेरे पास नहीं है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मेरा जो स्नैपचैट है वो बीच में एक जो है वो पूरा उड़ गया था मतलब पूरा बेचारा चला गया था। लेकिन मुझे जैसे किसी याद है कि जब मेरा नया नया मोबाइल आया था तो मेरी बहनें जो है और मतलब आप और मेरी साथ में बड़ी बहन जो है उन्होंने मिलकर पिक्चर्स बनाई थी तो वो हमारे मोबाइल की फर्स्ट पिक्चर थी लेकिन इस वक्त मेरे पास अनफॉर्चुनेटली वो पिक्चर्स नहीं है। चले अब आप मुझे बताएं कि आपको ट्रैवलिंग पसंद है या पिकनिक वगैरह? देखिए मुझे आप करती हैं ट्रैवलिंग या पिकनिक वगैरह आप करती हैं या नहीं? देखिए ट्रैवलिंग और पिकनिक दोनों ही ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आप मना नहीं कर सकते। ट्रैवलिंग इट्सेल्फ मतलब एक न्यू एक्सपीरियंस होता है कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और किस
किस सोर्स से ट्रैवल कर रहे हैं वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। मतलब ट्रैवलिंग में मुझे बहुत मजा आता है, अगर आप किसी न्यू जगह पे को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं तो और मजा आता है ट्रैवलिंग करने में। पिकनिक की जब बात करें तो पिकनिक पे जब ट्रैवलिंग होती है तो वो ज्यादा फैमिली मेंबर्स के साथ होती है, और जब पिकनिक होती है वो ज्यादा कॉमनली होता है फ्रेंड्स के साथ होती है। तो इस तरह दोनों चीजें एक अलग अलग चीजें, दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों को हम कंबाइन करें तो मैं कहूंगी दोनों ही चीजों में मजा आता है। पिकनिक में का एक अलग मजा है, वो आप कुछ घंटों के लिए जाते हैं और एंजॉय करके आते हैं। ट्रैवलिंग एक अलग एक्सपीरियंस है, आप कुछ अलग एक्सप्लोर करने जा रहे होते हैं, अलग जगह पर रहने जा रहे होते हैं, अलग चीजों को एक्सपीरियंस करने जा रहे होते हैं। चलिए आप मुझे बताएं कि आपको मतलब के लास्ट आपने ट्रैवलिंग या वो पिकनिक क्या किया? लेकिन लास्ट मैंने ट्रैवलिंग किया वो भी हम रिसेंटली पंजाब गए थे, कुछ इश्यूज था, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हम पंजाब गए थे, तो मैंने लास्ट ट्रैवलिंग वही की है। और लास्ट पिकनिक गए हम लोग मुबारक बीच गए थे, तो हमने कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ प्लान नहीं बनाया था तो हम मुबारक बीच जाएंगे, तो वहाँ पे हमने बहुत इन्जॉय किया। लेकिन वहाँ मौसम इतना अच्छा था कि हमारी जो पिकनिक थी वो और डबल हो गई थी और मजा आया हमें। यस आई नो। मुझे बताएंगे आपको बर्थडे डेट्स याद रहती है अपने फ्रेंड्स की, फैमिली मेंबर्स की? हाँ, मोस्टली मुझे बर्थडे डेट्स याद रहती हैं कि मतलब मेरी जो फैमिली मेंबर्स, जो क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं उनकी बर्थडे डेट्स मुझे सब याद रहती है। मैं प्रॉपर टाइम पे विश ना भी कर सकूँ अपने कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, कह रहे हैं कि अपनी कुछ मसरूफियत की वजह से, तो लेकिन मुझे याद जरूर रहता है कि आज उसकी बर्थडे है और उसकी बर्थडे है, ये जरूर रहता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि अगर वो बंदा यहाँ पर मतलब मेरे पास मौजूद है तो हम उसको अच्छे से सेलिब्रेट भी करें, अगर क्योंकि ज़ाहिर है एक बर्थडे ऐसा दिन होता है जो आपका दिन होता है, आप पूरा साल में अगर आपका कोई भी दिन नहीं होता लेकिन आपको बर्थडे एक ऐसा दिन है जो आपका दिन है, उसमें कुछ ना कुछ बातें तो मानी जानी चाहिए या उस दिन को सेलिब्रेट तो किया जाना चाहिए। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि मतलब कोई ना कोई तो होना चाहिए जो आपकी बर्थडे प्लान करे या कोई आपके लिए एफर्ट्स करे, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि अगर वो बंदा यहाँ पर मौजूद है तो हम उसके लिए थोड़ी सी एफर्ट करके एक एटलीस्ट केक तो मंगवाएं। यस ठीक है। ये आप ऐसी तो नहीं है मतलब कि आपको डेट नहीं याद और आप मोबाइल खोला आपको व्हाट्सएप पे आपको आके खास दोस्तों में आप खास फैमिली मेंबर में शामिल है लेकिन आपको उसकी बर्थडे डेट नहीं याद, फिर आप उसको देख कर विश करेंगे यार इस बंदे की बर्थडे? नहीं ऐसा, कभी ऐसा हुआ आपके साथ? नहीं ऐसा नहीं हुआ, बहुत मतलब के कह लो कि बहुत ही रेयर हुआ होगा ऐसा कि मतलब मुझे नहीं याद हुआ होगा। ऐसा जरूर होगा कि मतलब मुझे रात में याद होगा, सुबह में मैं भूल गई हूँ, जाहिर एक ह्यूमन नेचर होता है कि वो चीज़ों को भूल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि हाँ भाई ये महीना आ चुका है और जो डेट्स आ चुकी हैं तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि आज मेरी फ्रेंड की या फैमिली मेंबर की बर्थडे है, लेकिन मुझे याद रहती है, मैं ट्राई करती हूँ उनको टाइम पे विश कर लूँ, लेकिन जाहिर है कुछ ज़ाहिर मसरूफियत की वजह से मैं ऐसा नहीं हो पाता, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ कि ऑन टाइम सबको विश हो जाए। अच्छा नहीं, आप मुझे बताएं बर्थडे से के हवाले से ही मैं इस बात को थोड़ी कंटिन्यू करना चाहूँगी। आप जो बताएं आप किसी की बर्थडे के लिए एक्साइटेड होते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं जो बर्थडे के लिए अपनी किसी दोस्त की फैमिली मेम्बर की बर्थडे के लिए एक्साइटेड होते हैं, वो लगाना शुरू कर देते हैं इतने देर लेफ्ट इतनी देर लेफ्ट, तो आप इतना एक्साइटेड होते हैं या बस नहीं इंटरमीडिएट में होते थे या मैट्रिक लेवल में होते थे तो हम बहुत एक्साइटेड होते थे कि हाँ भाई फलां की बर्थडे आ रही है, और एक महीने पहले से जो है वो टाइम वो लगना शुरू हो जाता है कि टाइम 15 डेज लेफ्ट और 1 मंथ लेफ्ट और 29 डेज लेफ्ट, वो एक ऑरा होता है या एक वो टाइम पीरियड होता है जिसमें आप ये चीजें एंजॉय करते हैं। अब मुझे लगता है हम थोड़े से इतने मेच्योर हो गए हैं कि अब हमें वो चीजें लगाने की जरूरत ही नहीं है कि हम इतने दिन रह गए हैं इतने दिन रह गए हैं, वो एक अलग बात है कि आप किसी और को बस टाइमली विश कर दें तो वो एक चीज है वो रहती है। बाकी अब ये जो इतने एक्साइटिंग वाली बात है वो अगर मतलब ये इस तरह हो गई कि जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी हम पर्सनली विश कर लेते हैं और साथ में सेलिब्रेट कर लेते हैं, और जो फ्रेंड्स हैं और उनकी जो है हम टाइमली विश कर देते हैं कि एटलीस्ट उनको हमें उनके बर्थडे याद है, वो विश करने वाला 15 डेज दैट और 16 डेज दैट वाला आप थोड़ा सा पीछे रह गया है। ये हम जैसों के लिए, इन जैसों के लिए नहीं है ये बात। चलिए आप मुझे बताएं आपको शॉपिंग या पिक्चर किस चीज़ का क्रेज है? देखिए शॉपिंग और पिक्चर का क्रेज नहीं है, मुझे दोनों का चीज़ का शौक है, मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरी अच्छी अच्छी पिक्चर्स क्लिकों जो कि आप बिल्कुल नहीं करती हैं, ठीक है तो मैं आपको अच्छी करती हूँ लेकिन मैं ये चाहती हूँ ठीक है। और शॉपिंग का भी मुझे शौक है, शॉपिंग का इस सेंस में शौक है मुझे मतलब मेरे कपड़े मतलब प्रॉपर हों सही हों अच्छे बने हुए हों, ठीक है मुझे इस चीज़ का शौक है कि मेरे कपड़े बिल्कुल ठीक हो, मतलब मुझे एक्स्ट्रा शॉपिंग करने का शौक नहीं है, लेकिन मुझे बिल्कुल ही कम शॉपिंग करने का भी शौक नहीं है कि मतलब इंसान की नीड है फिर भी वो पूरी नहीं हुई। आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी शॉप आपने लास्ट पिक्चर कब ली थी? लास्ट पिक्चर मैंने अभी रिसेंटली ही बल्कि स्नैपचैट पे लिया, मेरा फ्राइडे पेपर था यूनिवर्सिटी में तो मैंने वहाँ पर एक पिक्चर क्लिक की थी जो कि मैं फॉर्चुनेटली शो भी कर सकती हूँ अब क्योंकि मेरे पास पिक्चर है तो मैं शो भी कर सकती हूँ उसको। तो ये एक लास्ट पिक्चर थी जो मैंने एक मकसद के तहत ली थी जो कि यहाँ कैमरे में नजर भी आ रही होगी, मैंने मकसद के तहत ली थी और ये पिक्चर है जो फाइनली मैंने ली थी अपने पेपर के द्वारा। आप मकसद बता सकती हैं? मकसद हाँ, मुझे एक फ्रेंड को सेंड करनी थी ये पिक्चर इसलिए मैंने ये पिक्चर ली थी। चलिए अब आप मुझे बताएं आप आपकी थोड़ी सी फील्ड के मुताबिक ये सवाल है क्योंकि आप मास्क काम कर रही हैं, तो आप मुझे बताएं कि आपको ऑफ कैमरा वर्क करना पसंद है या ऑन कैमरा?
लेकिन टू बी ऑनेस्ट, जब आप जर्नलिज्म करते हैं, जब आप जर्नलिज्म के बारे में सोचते हैं, तो आप कभी ये नहीं सोचते कि आप ऑन कैमरा काम करेंगे या ऑफ कैमरा काम करेंगे. आपको सिर्फ काम करना होता है, चाहे वो ऑन कैमरा करना हो चाहे ऑफ कैमरा करना हो. अलबत्त हम मतलब फीमेल्स के लिए ये जरूर होता है कि आप ऑन कैमरा कैसे दिखना चाहते हैं या ऑफ कैमरा कैसे करना चाहते हैं. अब जिस तरह अगर प्रेजेंटली बात करूँ तो हमारे जो जर्नलिज्म के जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें ज़्यादातर जो है वो मॉडर्नाइजेशन या स्टाइलिश ड्रेसिंग को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, जो कि ज़्यादा कुछ लड़कियाँ नहीं चाहती कि वो ऑन एयर आके इस तरह की स्टाइलिश ड्रेसिंग करें. तो फिर वो उनकी मर्जी पर डिपेंड करता है कि वो ऑफ एयर काम करें विदाउट स्टाइलिश ड्रेसिंग और वो ऑन एयर काम करें विद स्टाइलिश ड्रेसिंग. वो टोटली उन पर डिपेंड करता है. जो कि मेरा हो रहा है वो ये है कि मेरी जो मर्जी है कि मैं दोनों तरीके से काम करना चाहती हूँ, ऑन ईयर भी ऑफ ईयर भी. अब वो आगे जाकर फर्दर मेरी अपनी मर्जी होगी कि मैं किस तरह की ड्रेसिंग पे किस तरह की चीज़ों पर जाना चाहती हूँ. चलिए ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. आपने अपना प्रीशियस वर्क जो है वो टाइम जो है वो हमें दिया. आपके के लिए मेरी बहुत सारी बहुत अच्छी अच्छी दुआएं हैं आपके साथ. आप हमेशा खुश रहें और हंसी मुस्कुराते रहें. और मेरे व्लॉग्स हैं वो आप लोगों को तकरीबन हफ्ते में 2 से 3 तो मिलेंगे इंशाल्लाह. खुदा हाफिज़. अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें.